लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ना तुम्हारे परिवार को इन्फॉर्म कर सकते हैं ना पुलिस को, और जिसे इन्फॉर्म करना है उसका फोन बंद है। अरे कुछ तो बोलो मेरी माँ। मुझे भूख लगी है। क्या कहा? मुझे भूख लगी है। हेलो सेबेस्टियन। यस। अब तुम चेन्नई में काम नहीं करते क्या? मैं वहाँ से 2 साल पहले ही चला आया, शादी कर ली इसलिए यहाँ रहने के लिए आ गया। कमीना इंसान, कभी कभी मिस कॉल भी कर लिया करो। हाँ ओके। जहाँ भी जाता हूँ मेरे दोस्त मिल जाते हैं, यही मेरी असली कमाई है। सेबेस्टियन। ये कौन है? हेलो। हेलो। और मुझे पहचाना क्या? हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ। तुम आओ। अरे रुको, हम बैठेंगे। मेरी बात, मैंने तुम्हें सेबेस्टियन के बारे में बताया था ना। ये वही है, बहुत ही तेज दिमाग का है ये। आओ तुम बैठो, एक नंबर का धोखेबाज भी है। इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ एलिस। इसने सोचा कहीं मैं इसकी पुरानी स्टोरी का पोल न खोल दूं, इसीलिए हमें बता दिया। हमारा ऑर्डर, जब तुमने ऑर्डर किया है तो हम भी यही खा लेंगे। अब तुम अपने लिए ऑर्डर कर दो, चलो खाओ खाओ। तुम्हारी वाइफ क्या वेजिटेरियन है? हाँ ये वेजिटेरियन है। मैं भी, मतलब हम दोनों भी। चलो खाओ खाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल मैं पे करूंगा। इतनी देर बात करने के बाद भी ये मुझे नहीं पहचान सका। जो मुझे याद नहीं करता, जिसने मुझे पहचाना नहीं, उसे मेरे खाने का बिल भरने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं प्लीज, ऐसा मत कहो। ठीक है बताओ कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते हो कि नहीं? अरे बताओ ना, मेरा नाम क्या है? तुम साबू हो ना? अरे तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। बिल्कुल। ये साबू है। अरे तो ठीक है, बिल ही क्यों, साथ मुझे टिप भी दे देना ये लोग। ठीक है ठीक है, चलो चलते। ये सही नहीं है, बिल तुम भर दो। कॉलेज में हम दोनों ने एक साथ चाय पी थी और मैंने बिल भर दिया था, तो इसने हफ्ते भर तक मुझसे बात नहीं की। बिल तो साबू ही भरेगा। ये लो, अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, है ना? सही है, लेकिन तुमने मुझे अपनी शादी पर इनवाइट नहीं किया। ये किसने कहा? मैंने तो इनविटेशन भेजा था। अरे कब भेजा तुमने मुझे निमंत्रण? मुझे तो मिला ही नहीं, बुरा क्या तुमने? प्लीज नाराज मत हो। ठीक है, साबू नाराज नहीं होगा, तो ये समझो कि शादी का तुमने ट्रीट दिया। लो ये बिल भर दो तुम। अब तो खुश हो ना? ओके। और तुम्हारी वाइफ भी। तुम भी खुश हो ना? अब हम लोग जाते हैं, अपना ख्याल रखना। बाय। साबू। प्लीज उसे फोन दो। ठीक है। प्रवीण आपसे बात करना चाहता है। थैंक यू मिस्टर एडवोकेट शिवराम। शिवराम जी आपने बहुत मदद की है। आपको थैंक यू कहना काफी तो नहीं होगा। अच्छा, इस लड़की को मैं कहाँ पर ड्रॉप करूँ? मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ। क्या कहा? हैदराबाद? मैं रात को वापस आऊंगा, तब तक के लिए आप प्लीज उसे खतरे से बचा कर रखिएगा। हेलो, देखो ये मेरा काम नहीं है, मुझे कई बार में प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, सिर्फ आज रात के लिए मैं पार्वती को सुरक्षित रखूंगा, तब तक आ जाना। जरूर आना। ओके। आज रात तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह है। कैबरे। क्या मैंने हर बार तुम लोगों को कैबरे डांस के लिए वार्न नहीं किया? हाँ, किया था सर, लेकिन पता नहीं था कि ये वार्निंग थी। सर ये कैबरे डांसर नहीं है। सर इसने पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर रखा है। मैंने कैबरे डांस देखा है, पूरा शरीर ढका हुआ होता है और फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं। अरे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, आप कौन है सर? लोग मुझे शिवराम बुला। लोग तुम्हें बुला सकते हैं लेकिन मैं नहीं। चलो सर। सर हम लोग निर्दोष हैं। सच में?
हाँ जी। तो पहले तुम ही जीप में बैठो। अरे चंदू, तुम लोगों को स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। चल गाड़ी में जाकर बैठो, ये दोनों जीप में फिट नहीं होंगे, ट्रक लेकर आओ। भारत के नामचीन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के प्रसिद्ध मालिक को एक मामूली सी कैबरे डांसर का पीछा करते हुए शर्म नहीं आती? सर वो कैबरे डांसर नहीं है। तो फिर? दलाल ग्रुप के एमडी की बेटी है सर। माय गॉड, तो वो कैबरे डांसर बन के परफॉर्म करने क्यों गई? आई मीन, क्या उसे कोई मानसिक बीमारी है? अपने परिवार का बदला, परीक्षा परिणाम का डर, प्यार में विफलता, ऐसा कुछ जो उसके साथ हुआ हो? ऐसी कोई समस्या है क्या? स्टॉप इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा था। समझा, एसएमएस। तुम्हारा मतलब है सेल फोन मेनिया। तो उस मैसेज का कंटेंट क्या? यही कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर छोड़कर जा रही है, यही लिखा था। उसका बॉयफ्रेंड कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा, पता तो मुझे भी नहीं, पूछने दो। तो लड़की, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी। सच सच बताओ। हाँ। इन्हीं लड़कों में से कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? जवाब दो। वो है। अरे अरे, मैंने मेरे जो पीछे है वो। तुम्हारा आगे पीछे है क्या? अरे नहीं नहीं, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे पीछे। आगे पीछे दोनों नक्शे बिगाड़ दूंगा तेरे। ये है वो, ये है। तुम ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड हो क्या? प्लीज। अगर मैं हूं तो? अगर तुम हो तो। अभी ये मामला सुलटाता हूँ। थैंक यू सर। क्या तुम कानूनन बालिग हो? हाँ हूँ। बहुत सही। और क्या तुम भी बालिग हो? मैं दो बार बालिग हूँ। हाँ? है? हाँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या? एक ही रास्ता है, प्यार करने वालों को मिलाना। दिल यही कहता है। अगर कोई कपल कानूनन बालिग हो चुका है तो उन्हें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैं इन्हें आजाद करता हूँ। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये पुरानी कहावत नहीं सुनी तुमने? क्या मैं तुम्हारी शादी में कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, हम उनकी शादी करा देंगे। पहले सीधे चलना तो सीखो, उसके बाद शादी की व्यवस्था करना। इन सबको मेरी नजरों से दूर कर दो। कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा हुआ मैंने आज अंदर का आइटम पहना हुआ था। अरे चुप करो, कुछ भी बकवास करते रहते हो। चंदू, पार्वती आओ बेटी, चलो घर चलते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे। क्या वो मेरी तरफ देख रही है? बाप रे, चलो बाइक स्टार्ट करो। चलो उतरो, घबराओ मत, ये मेरा घर है। ऑल द बेस्ट, तुम दोनों को मुबारक हो। बकवास बंद कर। चलो आओ। चलो दाहिना पैर आगे रखो। अब ये कौन है? चिंता मत करो, अंदर आओ। आओ जाओ, अंदर जाओ। हुँ?
तुम आज के लिए इस कमरे का इस्तेमाल कर सकती हो। तुम इस कमरे को गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना, मुझे इसी तरह से पसंद है। अरे मैं कुछ भूल गया, अभी आता हूं। शिवराम, हाँ? ये लड़की कौन है? कौन? वही जिसे अंदर लेकर गए। अच्छा अच्छा, वो तो एक लड़की है, चली जाएगी, मैं आता हूँ। सच बताओ, कौन है वो लड़की? सच कहूँ तो मैं उसे नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि वो लड़की मेरा प्यार है। उस लड़की को नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन खाने की आदत है, अब मैं भी वेजिटेरियन बन गया हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाने? हाँ। ए, कुछ तो गड़बड़ है। भैया, तुम्हें भी ये चाहिए क्या? लड़की की फैमिली यहाँ आई है। अरे रे रे, उनके लिए तो ये काफी नहीं होगा, उसे उनके साथ भेज दो। अगर लड़की राजी है तो ये उसे ले जा सकते हैं, वरना मैं किसी को भी जबरदस्ती ले जाने की परमिशन नहीं दूंगा। भाई प्लीज, बेवजह की परेशानी को आगे मत बढ़ाओ, इन लोगों की बहुत ऊपर तक पहुँच है। मिनिस्टर ने मुझे पर्सनली बुलाकर भेजने को कहा है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तो आपके बिना परमिशन के जो सही होगा करूंगा। तुम ये बात छोटे भाई के रूप में कह रहे हो या पुलिस ऑफिसर के रूप में? आपके छोटे भाई के रूप में। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बड़ों के मामलों में दखल अंदाजी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो फिर मैं पुलिस ऑफिसर के रूप में जो होगा करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो, वो लड़की मेरा प्यार है। प्यार में दो लोग ऐसे होते हैं जैसे गिलास में शराब और पानी, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो शिवराम? मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? हाँ, कैसे? मुझे बताओ, तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? मुझे बताओ, तुम दोनों ने कब शादी की थी? अबे, मैं उससे जब पहली बार मिला था, फर्स्ट टाइम, जब मैंने उस लड़की को देखा था, एक दिन मंदिर गया था तब वहां मिला था। मंदिर में मैंने उस लड़की को वहां पर देखा पहली बार। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल ने कहा, यही है वो, ये नहीं वो। बिना देर किए मैंने उससे पूछा, ये बताओ, क्या मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारी पूजा और सेवा कर सकता हूँ? फिर उसने मुझसे कहा, ओके माय लव। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर हम एक बीच पर गए, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए। फिर हमने मूंगफली खरीद कर खाई। क्या? सर, बीच पर कुछ लड़के मूंगफली बेच रहे थे, हमने उनसे खरीदी और खा ली। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सर, जानते नहीं मैं कौन हूँ? बताओ, तुमने उसका किडनैप किया है ना, और उसके बदले में पैसे भी मांगे? ये तो हर एक अमीर आदमी का कॉमन ट्रिक है सर, कि अपनी बेटी के प्रेमी को झूठे केस में फंसा दो और उसे जेल भेज दो। उन्होंने भी अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए ऐसा ही किया। इतनी सी बात समझने के लिए आपके पास कॉमन सेंस नहीं है क्या? फिर तुमने उसे क्यों कमरे में बंद करके रखा है? बताओ। रुकिए सर, पूछो उससे। सर, ये आपकी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन ये सब पुलिस स्टेशन में कीजिए, ये मेरा घर है। तो इसे आप पुलिस स्टेशन ही समझिए, सिर्फ आरोपी ही नहीं, उसके पिता से भी हम पूछताछ कर सकते हैं। उसे बाहर बुलाओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं इसने तुम्हें धमकी देकर घर में बंद करके रखा है। तुम चाहो तो यहां से जा सकती हो। शिवराम ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है, मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इसके साथ यहाँ रहने आई हूँ। तुम अगर चाहो तब भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं रह सकती। अगर इसे पसंद करती हो तो इससे शादी करवा देंगे, उसके बाद यहाँ आके रह सकती हो। जी हाँ, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इनके साथ जाइए, आपको जाना चाहिए। हम पहले से ही शादीशुदा हैं। अरे हाँ,
सही कह रही है, कल ही हमारी शादी थी। जब हम शादी के बाद पार्टी कर रहे थे तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया। आपने क्या कहा था कि ये शिवराम ने आपकी भतीजी का किडनैप किया है, पर ये दोनों तो शादीशुदा हैं। सर उसे धमकाया गया। शराब, हमारा वक्त बर्बाद हो गया। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। हमारी दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। हम बाद में बैठकर बात करेंगे, तुम जानते भी नहीं हो कि हम कौन हैं। ओके, हाँ नहीं जानता। मुझे वैसे भी ब्रांड की जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ ताड़ी पसंद है। आप चाहें तो कुछ अंडे भी उबाल सकते हैं, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। <laughs> <laughs>